रीवा जिला लगातार अपराधों में तरक्की कर रहा है। आए दिन लूट चोरी की घटनाओं से आम जनता परेशान, तो वहीं आए दिन मारपीट की घटनाएं जिले में अब आम हो गई हैं। कुछ दिनों पहले ही सिविल लाइन थाना अंतर्गत शिल्पी प्लाजा के पीछे मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था। मौके पर पहुंची पुलिस, लेकिन पुलिस का खौफ तो अपराधियों को बिल्कुल भी नहीं है। और हो भी क्यों, शिल्पी प्लाजा के पीछे असामाजिक तत्वों का सुबह से लेकर शाम तक जमावड़ा लगा रहता है। वहीं बैठकर गांजा कोरेक्स पीना और ठेले वालों को परेशान करना इन अपराधियों की आदत हो गई है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला बीती रात शिल्पी प्लाजा के पीछे, जहां बताया जाता है कि लड़का और लड़की का संपर्क सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ, जबकि दोनों मुखबधिर हैं। दोनों के बीच संबंध गहराते गए और वीडियो कॉल में बात शुरू हुई और कुछ वीडियो साहिल द्वारा रिकॉर्ड कर लिया गया, जहाँ लोगों ने बताया कि साहिल नाम का युवक मुखबधिर लड़की से वीडियो कॉल में बात करके उससे वीडियो वायरल करने की धमकी दे रहा था। पता चला कि वह लड़की से 50,000 रुपए ले चुका है, इसके बावजूद 1.5 लाख रुपए की मांग कर रहा था, और जो कि अपनी भाषा में ही मांग कर रहा था। और बताया जाता है कि बड़ी बात यह है कि साहिल मुखबधिर है और लड़की भी मुखबधिर है, जो कि सतना की रहने वाली है। इन्हीं कारणों के चलते सतना से आए कुछ युवकों ने शिल्पी प्लाजा के पीछे बैठे साहिल के साथ मारपीट शुरू कर दी। मौके पर साहिल के माता पिता भी पहुंचे, उनसे भी कहा सुनी हुई। पुलिस को किसी ने सूचना दी तो मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत कराया और साहिल सहित अन्य युवकों को उठाकर थाने ले गई। इन दोनों का आपस में चलता है। अब इस लड़के के पास, इस लड़के के पास मेरे बेटे की 45 करोड़ है। अब मैंने बोला कि जब तुम उसको प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखो तो हम तुमको 45 करोड़ दे देंगे। जब तक हम तीनों को बैठा के मंदिर कर देते हैं। हाँ हाँ उसके तो वहाँ से बैठे बेचारी इंदौर से फोन की बताओ नहीं मारा था। बोलो एक मिनट बाद खत्म करो। एक खड़े हो बताइए, एनजीओ है ना, झगड़ा कौन कर रहा था बताओ मेरे को। आया है अभी, तुमको ज्यादा शौक लगा वीडियो बनाने का, इसका पैसा है ठीक है, इस तरह बोलिए। जी कौन है? जी हेलो अरे चलना यार, अरे आ जा, कोई नहीं आया सामने है ना। सिविल लाइन में आ जाओ।